हाय फ्रेंड, मैं मनोज पांडे आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट पर। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं 2016 में हुए एग्ज़ाम आरआरबी एनटीपीसी के प्रश्न पत्र को लिया हुआ हूं, जिसमें कि टोटल 100 प्रश्न है, जिसमें मैथ, रीजनिंग और सामान्य ज्ञान के प्रश्न हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको आधे प्रश्न इस वीडियो में बताऊंगा और कुछ जो बचे हुए प्रश्न होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये 28 मार्च 2016 के सेकंड शिफ्ट का पेपर है। और दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम आने वाला है और मैं आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के पेपर को डेली आपके क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके बताता रहूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, 100 मिलियन किसके बराबर होता है? आपको पता है कि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। तो पूछा है कि 100 मिलियन किसके बराबर होता है। ऑप्शन आपके चार हैं, 10 लाख, 10 करोड़, 100 लाख, 100 करोड़। तो अगर 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं तो 100 मिलियन में कितने होंगे? तो 100 मिलियन को आप किससे गुणा करेंगे? 10 लाख से गुणा करेंगे। तो आपका आंसर जो है वो 10 करोड़ आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? चार ऑप्शन है, वोल्ट, कूलम, केल्विन और किलोग्राम। तो इसका ऑप्शन नंबर कूलम्ब, विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो कूलम्ब होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और केल्विन का आपको हम एसआई मात्रक बता दें, किसका एसआई मात्रक है? तो ताप का जो एसआई मात्रक है वो केल्विन है और किलोग्राम द्रव्यमान का एसआई मात्रक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए मैथमेटिक्स से है और वो प्रश्न है, आपको पढ़ के बताता हूँ। एक कंपनी की कार के केवल 3 मॉडल हैं, 1, 2 और 3। उनकी बिक्री के आंकड़े निम्नानुसार हैं। आप देखिए, वर्ष दिया हुआ है, इसके बाद मॉडल दिए गए हैं, ये मॉडल 1, मॉडल 2, मॉडल 3। 1990 से 1995 के बीच में मॉडल 1 19,000 बिका, मॉडल 2 41,300 बिका, मॉडल 3 6,412 बिका। इसी तरह 96 से 2000, 2001 से 2005, 2006 से 2010, 2011 से 2015 और सब मॉडल दिया हुआ कि इस सन के बीच में इतने इतने गाड़ियां इस मॉडल की बिकी। अब इसी के आधार पर प्रश्न दिए गए हैं और वो प्रश्न के चलते हैं। तो प्रश्न देखते हैं क्या है। तो आपका प्रश्न जो दिया हुआ है वो प्रश्न है, किस अवधि में कार की कुल बिक्री 1 लाख से अधिक रही? ऑप्शन चार हैं, 1995 से 2000 के बीच, वो 2001 से बीच के 2005 के बीच, 2011 से लेकर 2015 के बीच और चौथा दिया 2006 से लेकर 2010 के बीच। मतलब किस अवधि में कार की कुल बिक्री 1 लाख से अधिक रही? तो क्या हमें क्या करना पड़ेगा? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आप सबसे पहले ऐड करिए और ऐड क्या करेंगे, आप देख लीजिए, अंदाज़ा लगा लीजिए किस साल में ज़्यादा रही। तो पहले साल में 90 से 95 के बीच में देखिए, 90 से 95 के बीच में क्या है, 19,000 एक है, फिर एक 43,000 है और एक 6,000 है। तो क्या 1 लाख से ज़्यादा लग रहा है आपको? नहीं लग रहा, तो ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरा 27,000, 35,000 और 7,000 है, तो ये भी नहीं लग रहा है, ये भी 1 लाख से कम लग रहा है। इसी तरह सब मैच करा लीजिए। तो देखिए, ज़्यादा कौन सा लग रहा है? ज़्यादा लग रहा है 2011 से 2015 के बीच में, 91,000, 16,000 और 10,000। अगर आप 10,000 और 91,000 को भी जोड़ेंगे तो 1 लाख से ज़्यादा हो जाएगा। तो यही सबसे ज़्यादा बिक्री इसी अवधि में हुई है। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए क्या है, 2011 से 2015 दिया हुआ है। तो देखिए, ये दिया हुआ है सी नंबर आंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, 2011 से लेकर 2015 के बीच में जो कुल बिक्री रही उस 1 लाख से अधिक रही। प्रश्न है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित चार्ट को पढ़े और नीचे दिए गए सवालों के जवाब दें। नीचे आपका चार्ट जो क्या दिया हुआ है, दिवस दिया गया है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और ट्रेन दुर्घटनाओं में मृत्यु दी हुई है कि रविवार को 142 है, सोमवार को 173 हुई, इस तरह से सारी चीज़ें दी हुई हैं। ये चार्ट दिया हुआ है और उसके बाद बोला है कि नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं उनका जवाब दीजिए। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। दिया हुआ है कि ट्रेन दुर्घटनाओं में मृत्यु रिकॉर्ड सप्ताह के किस दिन सर्वाधिक रही? तो इसको आप देखकर भी बता सकते हैं और बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि किस दिन अधिक रही। सोमवार को 142 है और रविवार को 142 है, सोमवार को 173 है, मंगलवार को 165 है, इसी तरह सब दिया हुआ है। तो आप देखिए, शुक्रवार को जो है 220 मृत्यु हुई है ट्रेन दुर्घटना के कारण। तो इसका ऑप्शन नंबर जो आपका देखिए डी सही हो जाएगा, क्योंकि डी शुक्रवार को एक लगभग 220 मृत्यु हुई है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसी चार्ट के आधार पर दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, सप्ताह में प्रतिदिन की औसत मृत्यु दर क्या है? अब देखिए, सप्ताह में प्रतिदिन की औसत मृत्यु दर क्या है? तो ये औसत का प्रश्न है। तो कैसे निकालेंगे इसका आपको पता ही है। पहले सभी मृत्यु दर को आप जोड़ लेंगे, जैसे 142 है तो 142 प्लस 173,
प्लस 165, फिर 124 प्लस 198 प्लस 220 प्लस 179, इन सभी को जोड़ लेंगे और कितने दिन टोटल दिए, तो टोटल 7 दिन है, तो जोड़ करके 7 से उसको डिवाइड कर देंगे, जो आंसर आएगा वो आंसर सही हो जाएगा। तो आपको आंसर बता दें, आपका आंसर जो है वो 173 आएगा, बी नंबर सही हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? कंप्यूटर चिप को दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं? माइक्रो चिप के नाम से जानते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? तो सर्वाधिक इस ब्रह्मांड में पहले दूसरा नंबर पर कौन सा है? तो हीलियम है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और पहला बता दें, तो पहला जो है वो हाइड्रोजन है। अगला है, इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? चार ऑप्शन है, 21 मार्च, 21 जून, 21 सितंबर और 21 जुलाई। तो आपका आंसर नंबर 21 जून, बी नंबर सही हो जाएगा। 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन चार है, चावल, सूरजमुखी, गन्ना और पेट्रोल। तो एथेनॉल जो है वो गन्ना से प्राप्त किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान बोधगया में प्राप्त होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खो खो के खेल में खेलते समय मैदान में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो खो खो खेलते समय प्रत्येक टीम के खिलाड़ी जो हैं वो 9-9 होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और दोस्तों ये रही वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, क्योंकि मैं अगर आपके लाइक करने से ही और वीडियो को ज़्यादा शेयर करने से ही मैं अगले प्रश्न को इसी तरह के प्रश्न जैसे मैथमेटिक्स और रीजनिंग को भी और अच्छी तरीके से बताऊँगा। तो दोस्तों आज के लिए थैंक यू।